में दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। नोटबंदी के बाद बढ़ेगी सोने की मांग, WCG की रिपोर्ट में खुलासा। विश्व स्वर्ण परिषद यानी WCG ने कहा है कि नोटबंदी के बाद नकद मुद्रा के प्रति लोगों का विश्वास डगमगाया है और अब वे नकदी की बजाय सोने के रूप में अपनी बचत रखने की ओर दोबारा लौटेंगे। परिषद ने भारत में सोने की मांग और उसके परिदृश्य पर बुधवार को जारी रिपोर्ट में यह बात कही है। उसने कहा है कि लोगों के व्यवहार में इस बदलाव के दम पर वह इस साल देश में सोने की मांग बढ़ने की उम्मीद करता है। हालांकि इस साल वस्तु एवं सेवा कर लागू होने तथा 3 लाख रुपए से ज्यादा के नकद लेन देन को प्रतिबंधित करने की संभावना और मांग पर इनके नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए उसने इस साल सोने की कुल मांग 650 से 750 टन के बीच रहने का अनुमान जाहिर किया है। इससे पहले नोटबंदी और लंबी हड़ताल के कारण पिछले साल सोने की कुल मांग वर्ष 2015 के 857.2 टन से 21.19% कम होकर 675.6 टन रह गई थी। इसमें जेवराती मांग 22% घटकर 514 टन तथा निवेश मांग 17.09% घटकर 161.6 टन रही। जेवराती मांग में 148.3 टन की गिरावट परिषद के रिकॉर्ड में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट रही थी। WCG द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 लाख रुपए से ज्यादा के नकद लेन देन पर प्रतिबंध से ग्रामीण भारत में मांग प्रभावित हो सकती है, जबकि GST से अल्पावधि में उद्योग पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि पिछले साल मांग में तेज गिरावट के बाद इसके और घटने की आशंका नहीं के बराबर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल की तमाम बाधाओं के बाद बैंकिंग तंत्र में बड़े पैमाने पर आया पैसा, अच्छे मानसून के बाद बंपर फसल उत्पादन और केंद्र सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों की बड़ी आमदनी से आर्थिक विकास के साथ सोने की मांग को भी गति मिलेगी। परिषद ने कहा है कि पहले भी देश में सोने की मांग में गिरावट आई है, लेकिन हर बार मांग में दोबारा सुधार देखा गया है। उसने कहा है कि 3 लाख से ज्यादा नकद लेन देन पर 1 अप्रैल से प्रतिबंध लगने से लोग एक बार में आभूषण खरीदने की बजाय टुकड़ों में खरीदारी के लिए मजबूर होंगे। GST के बारे में उसने कहा है, इसमें सोने पर कर की दर कितनी होगी है 1 अप्रैल के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, जब सरकार विभिन्न उद्योगों के साथ दरों पर चर्चा करेगी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। लखनऊ मुठभेड़ मामले में पूछताछ के लिए उत्तर प्रदेश जाएगी गुजरात ATS की टीम। दिल्ली के बजट में कोई नया कर नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन पर विशेष जोर। उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में गोपाल अंसल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। चीन की उत्तर कोरिया को नसीहत, मिसाइल और परमाणु परीक्षण बंद करे। शिवसेना के विश्वनाथ महाडेश्वर बने मुंबई के नए महापौर। के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।